हेलो स्टूडेंट्स, आप 7.2 कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 कर ही रहा था सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको देखते हैं क्या है। टू कंडक्ट स्पोर्ट एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड, एक स्कूल ग्राउंड है मान लीजिए, एक रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड है। ए ये पॉइंट को नाम दिया है बी, ये डी और ये ग्राउंड है, ठीक है। इसको 10 पार्ट में डिवाइड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक मान लो 10 है, ठीक है। तो कुछ ये और इधर 100 फ्लावर पॉट रखे, एंड ऑन दिस एडी लाइन 100 फ्लावर पॉट है, कितने टोटल 100 है, ऐसा मान लो 100 तक, कब तक 100 तक, 1, 2, 3। फिर एक इन फिगर निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस एबीडी कितना टोटल 1 मीटर है, सॉरी ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, एडी का डिस्टेंस दिया 100 मीटर, कितना मीटर दिया 100 मीटर। उसमें से जो निहारिका है ना, ये लाइन पर है, सेकेंड नंबर की लाइन पे, मतलब यहाँ पर है निहारिका, और फिर 8 नंबर पे है कोई प्रीत है, समझ गया क्वेश्चन। और वो कितना निहारिका रन 1/4 ऑफ एडी, किसका, एडी का 1/4 वो रन कर रही है, तो एडी आपका 100 है, तो निहारिका ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 25, मतलब कुछ मान लो यहाँ पर है निहारिका 25। तो हमारा ये पॉइंट मान लो कोई पॉइंट ए है, ए नहीं पी मान लेते, ठीक है। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो इसको एक्स एक्सिस मानोगे, इसको वाई मानोगे, तो ये देखो एक्स कोऑर्डिनेट कितना 2 हुआ और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 25, क्योंकि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया फ्रेंड 25, ठीक है। ऐसे ही प्रीत जो है, प्रीत प्रीत यहां पर है 8 नंबर पर, वो डिस्टेंस कितना कर रहा है 1/5 कर रहा है, प्रीत 1/5 कर रहा है, इक्वल टू एडी, तो 1/5 ऑफ एडी मतलब 100, तो कितना है 20, तो ये यहाँ पर है, तो थोड़ा नीचे है कुछ, फिर 20 पर है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना 8 और वाई कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट को क्यू ले लो, तो क्यू कितने पे 8, 20। अब पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट, मतलब ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, वो क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपको निकालना, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, क्लियर। एंड इफ द रश्मि हैव टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट यानी द टू फ्लैग, अब एक रश्मि है आ रही, मान लो रश्मि, उसको एकदम बीच में करना है, तो कितना उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताना है, ठीक है। हम लोग पहले निकालते हैं, पहले हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे दोनों पॉइंट का, क्लियर। फर्स्ट वी विल फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये सब रफ कर दे रहा हूँ, सब कुछ काम नियम है। देखो पॉइंट क्या क्या थे, पॉइंट पी था 2, 25 एंड पॉइंट क्यू था 8, 20। अब इसका डिस्टेंस निकालना है, तो वी विल यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या था, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला था, तो लगाओ 2 - 8 x1, 25 - 20 का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2 - 8 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 - 25 - 5, 25 - 20 तो 5, 5 का स्क्वायर 25, तो आंसर कितना है रूट कितना होगा 61 ना, 61। तो इन दोनों डिस्टेंस कितना आ गया √61, क्लियर। तो हमारा ये क्या लिखा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, और पॉइंट पी एंड क्यू का मतलब निहारिका और रिश्ता डिस्टेंस निकलेगा। आगे हम लोग क्या करना है, 61 मीटर। आगे हम लोग एक पॉइंट आर निकालना है, क्या निकालना है, ये पॉइंट पी था एक क्यू था, इसके बीच में एक पॉइंट आर है जहां रश्मि फ्लैग पॉइंट करे, तो वो क्या एग्जैक्ट बिटवीन है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मिड पॉइंट, हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये रेशियो 1 और 1, तो मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला बताया था, तो उसका क्या फॉर्मूला था, xy इक्वल टू
x1 + x2 / 2 y1 + y2 / जब भी क्वेश्चन में मिड पॉइंट बोले तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट बिटवीन में हो तो यूज करो 2 + 8 / 2 / 25 + 20 / 2, ठीक है। देखो कितना हो जाएगा, देखो 2 + 8 कितना हो गया 10 / 2 = 5 और ये 45 / 2 22.5, तो ये क्या हो गया आपका कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो रश्मि कहाँ पोस्ट करेगी, ऑन द फिफ्थ लाइन जो आपको ये बना था ना उसमें से पांचवे लाइन पर, और ये वाई में 22.5 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो आपका आ जाएगा क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ हमने कर लिया है ऑलरेडी, अब फिफ्थ पर आते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने फोर्थ करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर फाइव देखो, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट लाइन ज्वाइनिंग द ए और बी दिया है -4.5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिविजन, जो भी लाइन पॉइंट है ना वो डिवाइड, मान लो एक दो लाइन है, अगर मैं इसको आपको पूरा एकदम अच्छे से समझाऊ ना पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के, तो ऐसा कुछ होगा। देखो ये वन होता है, ये टू होता है, ये सब करने की जरूरत नहीं, बस आपको समझो आप 1, 2, 3 प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, ठीक है। 1, -5 तो और थोड़ा नीचे आ जाएगा, मान लो ये है 1, -5 ये 1 है, तो ये पॉइंट एक है, पॉइंट ए है, ठीक है। 1, -5 बी पॉइंट एक है, -4.5 तो -4 इधर और 5 इधर मान लो कुछ होगा, तो यहाँ पे पॉइंट होगा बी, ये दोनों को ज्वाइन कर दिया आपने, मान लो ऐसा कुछ पॉइंट है, ये दोनों को आपने ऐसा कुछ ज्वाइन किया, ठीक है, ज्वाइन किया, ठीक है। अब ज्वाइन किया तो इसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जो लाइन है तो एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है ना, आपको यही पॉइंट निकालना है, समझे, यही पॉइंट निकालना है। तो आपको क्या है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x, 0, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो y का वैल्यू तो 0 ही है ना, इधर पता y का वैल्यू क्या है 0 है, क्योंकि x एक्सिस पर। वैसे मैं अगर आपको डायरेक्ट बोल देता तो आपको पता नहीं चलता होगा y को 0 क्यों दिया, ठीक है। तो आपको याद रखना, अगर x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट बोले तो हम लोग y को क्या लेंगे 0 बोलेंगे, अगर y बोले y एक्सिस बोले तो x को 0 लेंगे, ठीक है। तो आपका पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये मिल गया, अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए था। देखो 2 और 1 के बीच में आ रहा है, देखते आ रहा है कि नहीं आएगा, ठीक है। तो नाउ वी कैन, हमें रेशियो चाहिए ना, फाइंड द रेशियो, रेशियो चाहिए तो हम क्या लेंगे, लेट द रेशियो बी, जब भी रेशियो मांगा रहता है क्या लेते हैं k/1, तो ये m1 और ये m2, ठीक है। p = x, 0, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस 0 आएगा। फॉर्मूला लगाओ m1 क्या है, k है, इंटू x2 क्या -2 प्लस m2 1 x1 1 के प्लस 1 इक्वल टू कॉमा m1 के y2 5 प्लस 1 y1 -5 के प्लस 1, ठीक है। फॉर्मूला जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था वो यूज किया, तो x, 0 इसको सॉल्व कर लो, -4 के प्लस 1 डिवाइड बाई के प्लस इसको कर लो तो 5k - 5k + 1। अब देखो अब क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं, x वाला x के साथ और y वाला y के साथ, तो हम लोग लिख सकते हैं x = -4k + 1 और 0 = 5k - 5, ठीक है, ये लिख सकते हो। ठीक है अब इसको इक्वेट कर लेते हैं, तो इक्वेट कैसे करोगे, के लिए फॉर डेट इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे, देखो मैं क्या कर देता हूँ, 0 किसके बराबर होगा 5k - 5 के प्लस 1, तो
के इधर जीरो इधर जाएगा तो जीरो ही हो जाएगा, तो फाइव के माइनस फाइव, तो फाइव के इक्वल टू फाइव, तो के कितना आ गया वन, मतलब वन। तो रेशियो क्या हो जाएगा आपका, रेशियो हो जाएगा क्या था, के बाय वन, तो के की वैल्यू वन, तो रेशियो वन बाय वन, मतलब मिड पॉइंट हो गया एकदम एग्जैक्ट, मिड पॉइंट हो गया वन बाय वन। ठीक है, क्लियर। अभी एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप, एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक्स किसके बराबर था, पॉइंट पी निकालना है, तो पॉइंट पी किसके बराबर था, एक्स कॉमा जीरो, और एक्स किसके बराबर था, फोर के प्लस वन, प्लस वन कॉमा जीरो। एक्स का वैल्यू ये आया था हमारे पास, यहाँ पे के की वैल्यू वन पुट करो, तो फोर प्लस वन प्लस वन, वन प्लस वन इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो, तो कितना गया माइनस फोर, देखो थ्री बाय टू, ठीक है, तो आया वन पॉइंट फाइव कॉमा जीरो, थ्री बाय टू लिखो आप। देखो वन पॉइंट फाइव मैंने फिगर बनाया था, उसमें भी वन पॉइंट फाइव आ रहा था, क्या रहा था, टू माइनस टू माइनस वन के बीच में से लाइन जा रही थी ना, तो वन पॉइंट फाइव था, सेम आ गया था ना। ठीक है, तो आप डायग्राम के थ्रू भी एक इस तरह का आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, पर एग्जाम में आपको फॉर्मूला से करना है। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको पॉइंट भी मिल गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट आर द वर्टेक्स वन कॉमा टू फोर कॉमा वाई सिक्स एक्स कॉमा सिक्स एंड थ्री कॉमा फोर आर द वर्टेक्स ऑफ द पैरलोग्राम टेकन इन ऑर्डर। एक पैरलोग्राम है, मान लो ए बी सी डी, एक पैरलोग्राम, नाइन्थ में पढ़ा है पैरलोग्राम चैप्टर, के सारे वर्टाइज है, पहला पॉइंट इन ऑर्डर मतलब लाइन सीक्वेंस चेंज नहीं करना है, अगर ये ए है तो बी सी डी, ऐसा नहीं ए बी को ले लिया सी डी, ऐसा नहीं ले सकते। ठीक है, ये थ्री कॉमा फाइव, फाइंड एक्स एंड वाई, क्या फाइंड करना है, एक्स एंड वाई, दिस टू यू नीड टू फाइंड। उसके लिए आपको पैरलोग्राम की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टी होती है पैरलोग्राम की, पहले पैरलोग्राम की प्रॉपर्टी याद करो सारे लोग। देखो पैरलोग्राम की दो तीन प्रॉपर्टी होती है, पहला प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं और ये दोनों इक्वल, ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपने क्लास नाइन में बहुत बार यूज किया होगा। ठीक है, तो अभी यहां पर यूज करने की जरूरत है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, दिस ओ ए और ओ सी इक्वल होगा, क्या इक्वल होगा, ओ ए और ओ सी, उसका और लिटरली मीनिंग और क्या है, और क्या कह सकते हो, उसका मतलब ये है ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, आप ये लिख सकते हो ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एंड बी डी का भी मिड पॉइंट है, किसका है, अल्सो ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, दोनों का मिड पॉइंट होता है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी दोनों इक्वल होते हैं, ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग आगे कर सकते हैं। अब देखो ओ इज द मिड पॉइंट, तो अपने मिड पॉइंट फॉर्मूला से ओ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, मिड पॉइंट, जहां पे मिड पॉइंट दिखा वहां पे क्या ले जाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता, सेक्शन ही फॉर्मूला, बस उसमें एम वन और एम टू वन ले लेते और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो फॉर ए सी, अगर मैं ए सी कंसिडर करूंगा तो ओ की वैल्यू क्या होगी, देखना ए सी लूंगा तो ये मेरा एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो होगा वन प्लस एक्स बाय टू, टू प्लस सिक्स बाय टू, और सिंप्लीफाई कर दिया तो वन प्लस एक्स बाय टू वही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा टू प्लस फोर एट, टू प्लस सिक्स एट बाय टू फोर। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आया, ओ का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब क्या करेंगे आगे, अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो सिमिलरली सिमिलरली बी डी का मिड पॉइंट भी ओ है, तो मैं अब बी डी लूंगा तो ओ का एक दूसरा वैल्यू क्या आएगा, बी और डी लेना है आपको। ठीक है, तो अगर ये पैरलोग्राम था, एक बार देखो ये बी है और ये डी है, तो बी का कोऑर्डिनेट था फोर कॉमा वाई और डी का कोऑर्डिनेट था थ्री कॉमा फाइव, तो ये इसको एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू लेना,
तो आपका क्या हो जाएगा, 4 + 3/2 = y + 5/2 = 7/2 y + 5/2। अब देखो ये भी ओ है ये भी ओ है, तो दोनों हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो मैं अब दोनों को इक्वेट करने जा रहा हूं, इक्वेटिंग 1 इन 2 बिकॉज बोथ आर इक्वल ओ ओनली। किसको इक्वेट करेंगे, ये दोनों को, ठीक है, 1 इन 2 फ्रॉम 1 इन 2 लिख देना आप, 7/2 वाई प्लस 5 = 1 + x। अब क्या होगा, ये इसके साथ x के साथ y, y के साथ, तो 7/2 1 + x/2 y + 5/2 = 4 2 कट, तो 7 - 1 = x, तो x कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। चेक करो x 6 मिल रहा है, वेरीफाई कर लो एक बार, x 6 मिल रहा है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y + 5 = 8, तो y = 8 - 5 = 3, तो y कितना मिल रहा है, 3। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। इसका एक और मेथड होता है, वो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू, पर बहुत बड़ा मेथड है, उसको आपको नहीं करना, आपको ये मेथड करना, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्लियर एवरीवन? तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो 6 हो गया, 7 पे आते हैं, देखो 7 क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी द डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ए। एक सर्कल है मान लो ऐसा ए बी, ठीक है, ये इसके डायमीटर है, डायमीटर एक सेंटर होगा, ये डायमीटर है, उस सेंटर इज, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 2 - 3 और ये एक बी पॉइंट का दिया 1, 4। आपको पूछा ए का, ए को ले लेते एक्स कॉमा वन, ठीक है, ठीक है, तो हमने एक्स की वैल्यू ले ली, ठीक है। अब ए का कोऑर्डिनेट कैसे निकालो, तो फॉर दैट उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, उसके लिए देखो ए का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखो ओ है तो मुझे बताना ओ ए और ओ बी इक्वल होंगे कि नहीं, क्योंकि दोनों क्या है रेडियस, मतलब ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लिख सकते हैं ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, अगर ओ मिड पॉइंट है तो ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओ इक्वल टू ओ, ओ क्या लिख सकते हैं, ओ का कोऑर्डिनेट 2 - 3 किसके बराबर होता है, x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2 इक्वल होते हैं, देखो 2, -3 हमें निकालना है, ये निकालना, तो एक्स वन कितना है, एक्स हो गया, एक्स टू 1 हो गया, वाई टू वाई वन वाई हो गया और वाई टू 4 हो गया। नाउ इक्वेट ईच अदर, ये इसके साथ ये इसके साथ, ठीक है, ठीक है, तो इक्वेट कर लो, इक्वेटिंग दिस टू टर्म्स वी विल गेट 2x + 1/2 तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 = x + 1 = 3। सिमिलरली -3 = दिस टर्म y + 4/2 ये इधर -6 y + 4 ये इधर -10 हो जाएगा -10 y की वैल्यू क्या आ गई -10 और x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो एक बार चेक कर लेते हैं, लेट अस वेरीफाई, 3 - 10 राइट है आपका, ठीक है, क्लियर ये क्वेश्चन, 3 - 8 -10 ही है, तो ऐसा आप मिड पॉइंट लिख जा सकते हो। तो मिड पॉइंट देख रहे हो, हर क्वेश्चन में मिड पॉइंट आ रहा है, तो आपको ये याद होना चाहिए मिड पॉइंट, जब भी मिड पॉइंट देगा तो सेक्शन फॉर्म लगे तो जाने ही नहीं, मिड पॉइंट लिख से करना है, ठीक है, क्लियर डन। देखो एक क्वेश्चन नंबर 8 आपको मैं घर पे दूंगा करने के लिए होमवर्क, तो वो देख लो कैसे करना है, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर यू कैन ट्राई एट होम। इफ ए एंड बी आर द कोऑर्डिनेट, ए एंड बी कोऑर्डिनेट दिया है -2 - 2 b 2, -4 इस पर फिर a और b का कोऑर्डिनेट दिया है, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट b सच दैट, पॉइंट p निकालना है, x y ले लेते हैं, सच दैट ap इक्वल टू 3/7 हो, तो हम लोग इससे क्या मिलता है, इससे ये मिलता है
एपी बाय ए बी इक्वल टू 3/4। क्या आप ये रेशियो ले लोगे? विल यू टेक एम वन एम टू? अगर आपने ये किया तो गलत है, ये एम वन एम टू नहीं दिया। क्यों नहीं दिया देखते हो। सपोज ये ए है, ये बी लाइन है, यहां से कोई पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है, आपका रेशियो क्या होता है? व्हाट इज योर रेशियो? ये का रेशियो होता है एपी बाय पीबी, ये रेशियो कहला है। पर यहाँ पे एपी बाय एबी दिया है तो गलत है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए एपी बाय एपी बाय क्या चाहिए पीबी चाहिए। तो मान लो एपी इक्वल टू 3 है ना, तो ये 3 क्यूब आपका 3 और टोटल कितना है 7, ठीक है। तो हमें पीबी कितना मिलेगा, 4 मिलेगा ना, अगर ये 3 है ये 7 है टोटल 4 मिलेगा, ठीक है। तो आपका therefore आपका ये कितना हो जाएगा 3/4। अब इसको आप m1 और इसको m2 लेके सॉल्व करने लिया सेक्शन फॉर्मूला से तो आपको p मिल जाएगा। बस गलती यही करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3/7 रहते, 3/7 नहीं लेना है 3/4 लेना है, ठीक है। क्योंकि नीचे क्या आना चाहिए, पी भी आना चाहिए। तो मैंने ये फिगर से एक्सप्लेन किया, ये 3 दिया है ap, ये पूरा ए बी 7 दिया, तो इतना कितना बचेगा 4, तो 3/4। तो यू कैन फाइंड दिस ओके यूजिंग फ्रैक्शन फॉर्मूला।